हाँ ये देखिए, ये देख, खड़े हो जाओ। वो ये फॉगलेट है जेसी का, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी, आप देख ही सकते हो। वेल हेलो दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चा बटी, मेरे से एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। टुडे आई एम वेरी मच एक्साइटेड क्योंकि कल शुरू होने वाला एक नया सा रोड ट्रिप, उसके लिए आज कर रहे हैं हम प्रिपरेशन। और इस प्रिपरेशन में सबसे पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा हमारा हेलमेट को, बहुत ही गंदा हो चुका है। लेट मी शो यू, जस्ट लुक एट दिस, यहाँ पे देखिए इंसेक्ट्स बग्स हर जगह फैला हुआ है, इसके चलते इसको पहले साफ करेंगे। और हाँ, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो वीडियो के आखिर तक पता चल जाएगा। जब तक ये वीडियो आप देख रहे होंगे, अगर सक्सेसफुल रहा सब कुछ, देन आई विल बी हेडिंग टुवर्ड्स माय डेस्टिनेशन। कहाँ वो तो बाद में पता चलेगा, है कि नहीं। सबसे पहले इसको साफ करते हैं। वेट फॉर अ सेक, बिफोर जंपिंग इनटू हेलमेट हमें चेन लगाना भी जरूरी है कि नहीं। सबसे पहले नहीं तो ये अनिल कपूर वाला जो घंघराले बाल है उसका दर्शन हो जाएगा आपको। यस, सो विथ मी गाइज आई गॉट टू प्रोडक्ट्स टू डू डेट। एक ये वाला है हेलमेट वाइजर क्लीन, और एक ये वाला है हेलमेट इंटीरियर क्लीन। दोनों का फंक्शन अलग अलग है, इसको डालेंगे अंदर इंटीरियर वाले को, और वाइजर क्लीन से तो वाइजर साफ होगा, है कि नहीं। पहले इंटीरियर साफ कर लेते हैं, बहुत ही बदबू मार रहा है हेलमेट। डन, टाइम फॉर वाइजर। ये पूरा सफा चाट हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। और इसके ऊपर लगे हुए सॉल्यूशन को पोछा लगाने के लिए हमारा लुंगी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाली लुंगी को फिलहाल यूज नहीं करते, उसके चलते हुए इसको क्या किए है, छोटा कर दिए है। देखिए, छोटा लुंगी, खाली बाहर से साफ करने से थोड़ी होगा, अंदरूनी इलाके में भी साफ करना पड़ेगा, है कि नहीं। ये देखिए ग्लास, अभी अर्लियर इट वॉज बगी बगी, बट नाउ इट्स क्लियर। थोड़ा बहुत स्क्रेचेस लग चुका है हेलमेट में, उसके चलते कहीं कहीं पे, हाँ ये रहा, ये दाग मिटते नहीं है। ओके सो गाइस, हेलमेट का काम हो चुका है पूरा, अब जा रहे हैं बाहर। दो काम है, एक काम है बेगम साहिबा को लाना है, वो गई है अपने दोस्त के घर में। अपार्ट फ्रॉम डैट हमें जाना है मोटो क्रेस, वहाँ पे भी थोड़ा काम है। सो लेट्स गो आउटसाइड, और वीडियो में बने रहिए आखिर तक, देखिए तब पता चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं। और ये वीडियो देखते वक्त या फिर देख के उसके बाद हमारे इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर लेना फॉर प्रॉपर स्टोरीज एंड अपडेट्स कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे। ये मस्ट है कि आप स्टोरी जरूर चेक करना, क्योंकि आपको तभी पता चलेगा हम कहाँ पे है, कौन से लोकेशन में है। अगर आसपास आप होंगे तो आके मिल लेना, तब भी हमको बहुत अच्छा लगेगा, हमारे दिल को सुकून महसूस होगा। सो गाइस, निकल चुके हैं बाहर, और फिलहाल जो मौसम हो रहा है हमारे हेलमेट के अंदर का मौसम, वो सुगंधी पुष्टि वर्धनम हो रहा है। मतलब क्या बताएं, क्या खुशबू, बाप रे बाप, इतने दिनों बाद इतना अच्छा खुशबू के साथ हम मोटो ब्लॉग कर रहे हैं। नहीं तो हेलमेट का हालत काफ़ी ख़राब हो रखा था। बाकी ये सब जो प्रोडक्ट है मोटुल का जो हम यूज़ कर रहे हैं हेलमेट के लिए, वो आप कहीं पे भी परचेस कर सकते हो, ऑफलाइन भी मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है, विच आर वेरी यूजफुल प्रोडक्ट्स। हेलो जी, गाड़ी के अंदर बैठे लोगों को हेलो नहीं बोल रहा, अपने आप को बोल रहा हूँ शीशे में देख कर। हाँ जी, ट्रैफिक बहुत ही तगड़ा वाला रुकावट कर रहा हमें पहुँचने के लिए हमारे मंजिल तक, बट कोई ना, आई एम प्लेइंग कूल। देखते हैं कुछ ट्रैफिक फिल्टर कर सके तो पुचुक पचाक करके निकल लेंगे। ओहो, मुमकिन नहीं है क्योंकि सामने है गोदा मारा गाड़ी यानी कि बुलेट। गलती से भी लग गया हमारा प्लास्टिक बाइक तो ये फिगल जाएगा इसके आगे। इसको सटका लिया है, अभी गैप मार सकते हैं, है कि नहीं। चलो, ये रिश्के वाला बाबू राव तो फंस गया ट्रैफिक में। उड़ी बाबा, हमारा बाइक अभी उड़ जाता है। सो गाइस, पहुंच चुके हैं मोटो क्रेज में। ये कुछ दिन पहले हमने गिव अवे कॉन्टेस्ट रखा था, जहाँ पे टिंपू भाई के साथ एक वीडियो किया था, उसमें जाके कमेंट कीजिए अगर आपको पार्टिसिपेट करना। अभी भी बोल रहा हूँ, वीडियो का टाइटल में भी गिव अवे लिखा हुआ है, वहाँ पे जाके कमेंट कीजिए आपका बाइक का नाम और आपको मोटोल का ऑयल किस लिए चाहिए। वो वाला गिव अवे कॉन्टेस्ट में आपको मोटुल का ऑयल मिलने वाला है, साथ में मोटुल का एक किट जहाँ पे ढेर सारा सामान मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम डेट इंस्टाग्राम में भी एक गिव अवे कॉन्टेस्ट चल रहा है, जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट में, और वहाँ पे आपको एक फोटो मिलेगा जिसको आपको लाइक करना है, और साथ ही के साथ वहाँ पे जितना भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसको आपको फॉलो करना है। मोटो क्रेज गुवाहाटी का जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसको फॉलो करना है, हमें फॉलो करना है, और अपने दोस्तों को जितना हो सके टैग कीजिए, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और वहाँ पे जो गिव अवे कॉन्टेस्ट हो रहा है उसमें आपको स्टर्ट का हेलमेट मिलने वाला है, थंडर 3 आई गेस वो वाला मॉडल, और कलर वेरिएंट बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप जीतते हो, आपको कोई से भी कलर चाहिए होगा वो आपको मिल जाएगा, और उसका फोटो इंस्टाग्राम में भी अवेलेबल है, आप जाके पोस्ट चेक कीजिए, वहाँ पे आपको हेलमेट का भी फोटो मिलेगा और मोटुल का प्रोडक्ट जितना भी है मैं दे रहा हूँ उसका भी फोटो मिलेगा। तो पहले हम लगाने के सोच रहे थे ये वाला मॉडल फॉगलाइट का, एजेसी का, काफ़ी तगड़ा वाला लाइट है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन अभी ये ढक्कन, पीछे का ढक्कन, हेडलाइट का ढक्कन खोल दिया है, और अभी लगा रहा हूँ नाइट आई का H7 वाला बल्ब। तो जो फॉगलाइट में लगाने के बारे में सोच रहा था वो ये फॉगलाइट है एजेसी का, आप देख सकते हो ये प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है। और ये वाला, इसका कुछ हो चुका है शॉर्ट सर्किट, इसके वजह से जलता नहीं है। भाई के पास ऑलरेडी अवेलेबल है लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है अभी ये फिट करवाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक क्लेम लगाना पड़ेगा, उसके बाद फॉगलाइट लगेगा, है कि नहीं। तो उसके चलते हम दिन में आते तो हो जाता, अल्टरनेटिव क्या कर रहा है आई का, हम LED लाइट लगवा रहे H7 वाला। और हमारे हेडलाइट के पीछे में ये जो रबर रहता है
कवर, इसको अभी हटाना पड़ेगा क्योंकि A7 का जो बल्ब आता है वो लगने से पीछे में थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस लगता है, तब ये वाला सामान फिटिंग नहीं होता है। फॉर दैट रीज़न इसको हटा दिया है। और अभी भाई हमारे नसीम भाई कुछ जुगाड़ करेंगे। अभी क्या जुगाड़ होगा? पल्सर का लग जाएगा, लग जाएगा, मतलब जुगाड़ों के महाबाप जुगाड़। कुछ दिन पहले ये वाला जो वाइज़र लगवाए थे हम, बहुत सारे भाई लोगों का कंप्लेन था कि ये बहुत ओवर प्राइस्ड है। कुछ भाई लोग बोल रहे थे 600-700 रुपए में भी मिल जाता है, लेकिन 600-700 वाला क्वालिटी अलग है और 1000-1200 वाला क्वालिटी अलग है। और इसमें mm का एक डिफरेंस आता है। ये वाला वाइज़र है 5 mm का वाइज़र, जो सस्ता वाला आता है वो 3 mm का आता है। और ऊपर से क्वालिटी और ब्रांड का भी डिफरेंस आता है। हाँ ये देखिए, ये देख, खड़े हो जाओ, हाँ खड़े हो जाओ, हट जाओ, कूद इस पे, कूदना। हाँ देखो ये होता है क्वालिटी, है कि नहीं? और सस्ता वाला दिखा दो एक बार, सस्ता वाला। तो 600 रुपए वाला जो बोल रहे थे आप कमेंट सेक्शन में, ये है वो वाला, आपको मिल जाएगा यही पे मोटोग्रेज में। इसका प्राइस आपको 600 जैसा पड़ जाएगा। और इसको बोलते हैं पॉली कार्बोनेट वाइजर। जो नॉर्मल वाला वाइजर है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्रेलिक वाला है। और ये है पॉली कार्बोनेट, आपको खुद ही पता चल गया किसमें कितना क्वालिटी है। ये है 70 mi का एक प्रोडक्ट जो नितिन भाई के पास अभी फिलहाल अवेलेबल है। इसका MRP है, कहा गया भाई, कहा गया है 9999। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 8500 रुपए में। इसका काम क्या है दोस्तों? ये कि ये है एक जंप स्टार्टर जिसके थ्रू आप अपने कार को या फिर बाइक को, दोनों को स्टार्ट करवा सकते हो इनकेस आपका बैटरी डेड हो जाता है। तो ये जो सामान है ये खोल के दिखाएंगे हमारे बड़े भैया। तो बड़े भैया खोल के दिखाइए जरा। तो इसके अंदर में हमें मिलता है एक बैग केबल जो आपके बैटरी के साथ कनेक्ट हो जाता है, और उसके बाद रहता है पावर बैंक। सो दिस इज द प्रोडक्ट गाइस, बट बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी आप देख ही सकते हो, फिट एंड फिनिश। वाओ, थैंक यू बड़े भैया। शायद से आपने कुछ दिन पहले भी देखा था कि हमारा गाड़ी जो डेड पड़ा हुआ था घर में, उसको भी जंप स्टार्टर यूज़ करके हमने जिंदा किया था। तो उसी तरह का ये भी डिवाइस है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको परचेस करना है आप आ सकते हो मोटो क्रेज में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ है, आपको डिस्काउंट भी कर देंगे भाई हमारा नाम लेने से। और सिमिलर प्रोडक्ट्स आपको मिल जाता है अमेजन में, लेकिन उसका क्वालिटी आप खुद भी चेक कर सकते हो, उतना क्वालिटी इतना खास नहीं होता। तो फिलहाल आ चुका है, इंतज़ार का फल मिल चुका है, A7 का बल्ब। कहाँ से लाए भाई? 6 mi से लेके आए। अच्छा ठीक है, हम पहले भी लगा चुके थे नाइट आई का बल्ब H4 वाला। दिस टाइम आई एम इंस्टॉलिंग द H7 वाला मॉडल। और मेरा कैप तो हट गया, लेकिन इसमें अब ये वाला कैप लगने वाला है। सो नितिन भाई अभी निकल रहे हैं घर की तरफ। सो थैंक यू नितिन भाई, मिलते हैं बहुत जल्द वापसी करके। चलो बाय बाय बाय, चलो चालू कर दो, चालू कर दो। बढ़िया, अपर डिपर करो जरा। वाह ब्यूटीफुल। मुन्ना भाई निकलते हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच। मोटोक्रेज का नाम से खुद का कीरिंग बनना चाहिए, अच्छा लगेगा। नसीम चलो, थैंक यू, शुक्रिया, मिलते हैं बहुत जल्द, चलो। सो गाड़ी का काम हो चुका है कंप्लीट। आए तो थे फॉग लाइट लगवाने, मगर लगा के जा रहे नाइट आई का LED बल्ब, क्योंकि फॉग लाइट लगाने के लिए हम बोल ही दिए थोड़ी देर पहले यहाँ पे क्लेम चाहिए होगा, जो कि फिलहाल नहीं करवा सकते, तो आने के बाद ट्रिप से ज़रूर करवाएंगे। अभी जा रहे हैं बेगम जी को पिकअप करने, बोले थे ना दो दो काम है, एक काम तो हो गया। रोशनी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आह दिन का उजाला हो गया भाई साहब, दिन का उजाला हो गया। चलो चलिए फिर, और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते हैं, पहुँचते हैं घर में और बताते हैं क्या। हाँ कहाँ जा रहे हैं बताते हैं, भूल गए क्या, बताते हैं चलो। ओके गाइस, तो वापस आ चुके हैं घर में, और ये रहा हमारा क्लो बैग वाइट रंग का, जिसको हम परचेस किए थे कॉमरेड पिट स्टॉप नामक दुकान से बहुत दिन पहले। आई गेस आपने फॉलो किया होगा पहले से, तो आपको पता होगा बहुत ही अच्छा बैग है, स्पेशली फॉर यामाहा R3। तो इसको अब फुलाएंगे, यानी कि सामान से फुलाएंगे। तो कल जा रहे हैं हम टुवर्ड्स अरुणाचल प्रदेश, बट नॉट तावांग, दिस टाइम टुवर्ड्स ईटानगर, जीरो, दापोरिजो, आलोंग एंड मेचुका। अभी करते हैं पैकिंग, सुबह निकलना है। और अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, वहाँ पे सारा अपडेट मिल जाएगा कि हम कहाँ है कहाँ नहीं है। यहाँ तक अगर वीडियो देखते हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। टिल देन ड्रीम बिग, बी पैशनेट एंड ऑलवेज फ्लाइट सेफ, ऑलवेज फ्लाइट सेफ माय ब्रदर, एंड डोंट ट्रैवल योर मदर। बाय बाय।